फिर के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। मैडम के अप्रत्यक्ष शक्ति प्रदर्शन के साइड इफेक्ट अब आपको बताते हैं। जयपुर और दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। कुछ लोगों के मन में शुरू हो चुकी है आशंका, मैडम के धार्मिक अनुष्ठान की शक्ति परीक्षण में बदल जाने की आशंका। और आज सचमुच अनुष्ठान स्थल पर हुआ कुछ ऐसा ही। अब राजनीतिक प्रेक्षकों की निगाहें 8 मार्च के बाद होने वाले मैडम के संभावित धार्मिक अनुष्ठानों पर है। कुछ वसुंधरा समर्थकों ने दी थी मैडम को सलाह। प्रत्येक जिले के एक बड़े धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना करने की सलाह दी गई थी। यानी सचमुच हुआ ऐसा तो क्या प्रत्येक पूजा स्थल बनेगा शक्ति परीक्षण का केंद्र? क्या प्रत्येक पूजा स्थल पर उमड़ेगी विधायक, सांसद और समर्थकों की भीड़? यदि हर पूजा स्थल पर जुटी 15-20 हजार समर्थकों की भीड़, तो फिर इससे बढ़ेगी मैडम की बार्गेनिंग करने की ताकत। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। हालांकि फेस वैल्यू पर मैडम बार बार दोहरा रही एक निष्ठावान और अनुशासित कार्यकर्ता होने का दावा, लेकिन जिस तरीके का शक्ति परीक्षण आज दिखाई दिया है, उसने प्रदेश और दिल्ली तक बीजेपी नेताओं के कान को खड़ा कर दिया। क्योंकि जिस तरीके का समर्थन मैडम को यहां मिला है, वो धार्मिक यात्रा के साथ साथ एक शक्ति परीक्षण में बदलता हुआ दिखाई दिया है। अब हर किसी की नजर इस पर है कि 8 मार्च यानी कि मैडम के जन्मदिन के बाद जिलेवार जो धार्मिक यात्राओं का कार्यक्रम है, क्या वो होंगे या नहीं होंगे? अगर वो हुए और वहां इसी तरीके का समर्थन मैडम को नजर आया, मिलता हुआ दिखाई दिया, तो फिर इससे बढ़ेगी मैडम की बार्गेनिंग करने की ताकत। अब देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। हालांकि फेस वैल्यू पर मैडम बार बार दोहरा रही एक निष्ठावान और अनुशासित कार्यकर्ता होने का दावा।